मेरा नाम कुंदन कुमार है और हम बिहार शरीफ बिहार से हैं। डीएक्शन की यात्रा शुरू किया था 2015 में, 18 साल का उम्र कंप्लीट करने के बाद, और आज लगभग 8 से 9 साल हो गया। लेकिन हम आपको बता दें, मैंने जो चीजें देखा है डीएक्शन में, लोगों को जिंदगियां बदलते हुए देखा है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदला है, उसका अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा योगदान डीएक्शन का रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो ये टॉपिक है, मैंने जो सेलेक्ट किया है वो उस टॉपिक का नाम है कि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या डीएक्शन बिजनेस में कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं, सक्सेस होने के लिए क्या करने के लिए अब हम अगर जान जाए आखिरकार असफल क्यों होते, अगर हम जान जाएंगे असफल क्यों होते हैं तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज की मीटिंग का। तो हमारा ये आज का ये जो पहला पॉइंट है, हम आपको अगले 30-40 मिनट में, लगभग 30-35 हम आपको पॉइंट्स, की पॉइंट्स देंगे, जो गलतियां हम लोग करते हैं जीवन में, ये इंडस्ट्री में आने के बाद, ये बिजनेस में आने के बाद, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। पहला है कंपनी का सिस्टम को फॉलो ना करना, नॉट फॉलोइंग द कंपनी सिस्टम, यानी कि हम जो कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जाएंगे सब जगह उसका एक सिस्टम काम करता है, रूल रेगुलेशन काम करता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हुआ, किसी भी जगह पे, हाँ, हर जगह का एक गाइडलाइन है, हर जगह का एक रूल एंड रेगुलेशन है, टर्म एंड कंडीशन है, हर जगह एक सिस्टम है। उस सिस्टम को फॉलो ना करने के कारण भी, कारण ही कुछ लोग इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। हर कंपनी का काम करने का एक सिस्टम होता है। जो लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग असफल हो जाते हैं। आप अपनी कंपनी और अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कीजिए, यानी जो कंपनी का बनाया हुआ सिस्टम है उसे फॉलो करना है। अगर आप कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को, अपलाइन के द्वारा बनाए गए सिस्टम को, अपलाइन के द्वारा बताए गए रास्ते पे अगर आपने चलना शुरू कर दिया, तो मैं आपको आशा नहीं, पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं, आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, ये भी एक दूसरा जो है, अपने अपलाइन यानी सीनियर पे निर्भर रहना, डिपेंड ऑन योर अपलाइन। यानी कुछ लोग को हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो सारा का सारा अपने सीनियर पे डिपेंड होता है। सीनियर आएंगे तो मीटिंग होगा, सीनियर आएंगे तो प्रोडक्ट सेल होगा। अरे भाई, सीनियर नहीं आएंगे तो आप मीटिंग कीजिए ना, आपको जितना भी आता है, आपको 10 मिनट ही बताने आता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा वो सिस्टम को, सीनियर पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं। पढ़े लिखे भी होते हैं फिर भी फॉर्म किससे भराते हैं, सीनियर भरेंगे। बिल करवाना है, सीनियर भी करेंगे। आपको भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें पूरा डिपेंडेंट, हमें सीनियर पे होने की जरूरत नहीं है, ये जानिए। जो लोग हर काम के लिए अपने सीनियर पर निर्भर रहते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपका है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। सीनियर आपको ट्रेनिंग देंगे, सीनियर आपको रास्ता दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि सीनियर जो है रात दिन आपके साथ रहेंगे। एक नया लोगों से बात करना है तो सीनियर, अरे आपके पास जितना नॉलेज है आप उतना नॉलेज शेयर कीजिए। हाँ, जब भी जरूरत पड़े सीनियर को कहीं पे, तो हमें जरूर वहां पे लेकर के जाकर के हमें उनसे डिस्कस करवाना है। लेकिन हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट होना, ये भी ये इस बिजनेस का फेल होने का कारण बनता है। 1 साल हो गया कुछ लोगों को, 1.5 साल हो गया कुछ लोगों को, फिर भी मीटिंग करेगा कौन? सीनियर। फॉर्म भरेगा कौन? सीनियर। आपकी इमेजिन की, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, 100% डिपेंडेंट नहीं होना है। और एक बात और है, तीसरा जो पॉइंट है इस बिजनेस में फेल होने का कारण, वो है जल्दी अमीर होने की जिज्ञासा। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, मैं इस बिजनेस से बहुत जल्दी ही करोड़ रुपए कमा लूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। कितना लोग ये सोच करके आते हैं कि हमको 6 महीने में करोड़पति बन जाना है,
हमें एक साल के अंदर में अरबपति बन जाना है, और जब वो 6 महीने में कर लाख 6 महीने में सक्सेस नहीं होते हैं तो वो छोड़ के क्यूट करके चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, डीएक्शन में ये जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसके सिस्टम को फॉलो करते रहे, सीनियर को फॉलो करते रहे, यानी अपलाइन को फॉलो करते रहे, डेली लोगों से बातें करते रहे, बराबर मीटिंग में आप आते रहे, लोगों से बातें करते रहे, तो हम आपको बता दें, आज नहीं तो एक, आज नहीं लेकिन आप एक ना एक दिन जरूर आप अमीर होंगे। ये रातों रात आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये रातों रात जिंदगी बदलने वाला सिस्टम नहीं है। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य के साथ काम कीजिए। पैशंस बहुत जरूरी है, पैशंस यानी धैर्य बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। आप जानिए होता क्या है, कुछ लोग जब इस बिजनेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों को जब इस बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया, डीएक्शन के बारे में उन्होंने चर्चा किया, इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा किया, सब लोगों ने मना कर दिया, अब वो क्या किया, बताना ही बंद कर दिया। आप ये जानिए, इस इंडस्ट्री में एवरेज ऑफ ला काम करता है। अगर आप 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको एक लोग ही इस बिजनेस के बारे में आपके साथ हो सकता है, कंज्यूमर बनेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आगे जाकर के वो फिर आप बिजनेस करेंगे। तो ये जल्दबाजी का बिजनेस, ये जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है, आपको पैशंस बना के रखना है, आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। चौथा पॉइंट जो है, लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं, लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। 5-10 लोगों ने आपको मना कर दिया और हार बहार मान करके बैठ गए तो भी असफल हो जाएंगे। जब वही मैंने अभी बता रहा था, जब मैं 5-10 लोगों से बात करता है, सबने मना कर दिया, तो अब क्या करते हैं आप, बताना ही बंद कर देते हैं, हारा हुआ समझ करके, हार करके आप छोड़ देते। आपको ये ध्यान में रखना है, 5 से 10 नहीं बल्कि आप 50 से 100 लोग को भी, 50 से 100 लोग भी यदि आपको मना कर दे तो भी हार नहीं मानना है, क्योंकि आपको सफल होकर के ही दिखाना है, सफल होकर के दिखाना। आप 5 और 10 से क्यों, आप मना करने के बाद क्यों आप क्यूट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं इस बिजनेस को। इतना खूबसूरत बिजनेस है, जो कि मैं बता दूं आपको, मेरे टीम में 26 देशों में मेरा नेटवर्क है, 2,25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑनलाइन है, सैकड़ों डायमंड एंड स्टार रूबी है, कई हजार स्टार है, यानी हजारों में लोग, कई हजार लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 2.25 लाख महीना कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मेरी टीम के अंदर है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, 2 लाख महीना कमाता, कभी स्कूल नहीं गया, 2.25 लाख महीना कमाता। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना खूबसूरत इंडस्ट्री है। लेकिन वो कमा रहा है क्यों, क्योंकि उन्होंने, जब उन्हें भी लोगों ने मना किया, बहुत रिजेक्शन मिला, लेकिन वो बने रहे, लोगों से बात करते रहे, इसके कारण से आज वो सक्सेस है। इसी के लिए हमें 5-10 लोगों को मना करने के बाद भी नहीं, 50-100 लोगों को मना करने के बाद भी हमें हारना नहीं है। नंबर 5, अपने टीम के लोगों पर ध्यान ना देना। कुछ लोग ऐसे हैं अपने टीम पे ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग अपने टीम पर ध्यान नहीं देते हैं वो लोग भी इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। आपके टीम को आपको उसको सिखाना, सिस्टम बताना, सिस्टम में लाना, उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसको इस बिजनेस को करने के बारे में जानकारी देना आपका काम है। जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से टीम आपकी है, उसको हर पल आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर चीजें आपको उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, उसको जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, सीनियर, हमें सीनियर का भी सपोर्ट लेना है, लेकिन वहां आपको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देंगे। समय से रिपोर्टिंग करें, टीम को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है लोगों के पास, टीम के अंदर में कहीं कहीं डॉट रहता है, वो क्लियर आपका करना है। सिर्फ ज्वाइन कर देने से काम चलने वाला नहीं है, आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको टीम को सिखाना, समझाना, अगर उसको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना भी आपका प्रॉब्लम है। नंबर 6, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास की कमी, खुद पे जो अविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है,
इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका खुद का विश्वास में कमी हुआ तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो लोग भी असफल हो जाते हैं। खुद पर भरोसा रखें, आप ये ध्यान में रखिए, आप खुद पे भरोसा रखिए। नंबर 7, असफल होने का डर। ये भी इस बिजनेस में असफल, ये भी एक दिक्कत है। कुछ लोग जब ज्वाइनिंग करता है बिजनेस स्टार्ट करने से ही पहले उसको डर समा जाता है, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मिलेनियर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। यानी कि आप लड़के तो देखिए, आप लड़ने से पहले ही डर जाएंगे, आप करने से पहले ही आप डर जाएंगे तो कैसे असफल हो जाएंगे, असफल हो सकते हैं। इसी के लिए आपको करने से पहले डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि मैं सफल नहीं बन पाऊंगा, और वो लोग सब असफल हो जाते हैं। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी माइंड में चलता है हम सफल नहीं हो सकते, तो आप असफल हो जाएंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस घर, इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए, आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 8 पे आता है खुद के विकास पर कार्य ना करना, नॉट वर्किंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के विकास के ऊपर काम ना करना। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने खुद को विकास के लिए कुछ नहीं सीखते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। आपको भी इस बिजनेस में खुद को विकास के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको रेगुलर अपने विकास के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियो, कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा। तो इस अपने डेवलपमेंट पे, अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, अपने को डेवलप करना पड़ेगा, टिकट्स खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार, तभी अपने डेवलपमेंट में खर्च, यानी कि समय देना बहुत जरूरी है, काम करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को कैसे सिखा सकते हैं। इसी के लिए इन सभी चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। नंबर 9, सिर्फ सपने देखना लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम ना करना। ऐसा भी होता है कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, जस्ट ड्रीमिंग बट नॉट वर्किंग टू फुलफिल इट। यानी सपना तो देखता है लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए काम नहीं करता। आपको अगर सपना है तो सपना पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा ना। अगर किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, सपना देखता है तो क्या करता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए पढ़ाई करता है, उसके लिए एग्जाम देता है। तो यहां पे भी अगर आपको सपना तो देख लिए लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ सपने देखते हैं, कार लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, विदेश घूमना है, लेकिन सपना तो है, बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करते। वो कुछ नहीं, सपना है कार बाइक घर विदेश घूमने का, लेकिन करना करते कुछ नहीं, तो कैसे होगा बताइए। हम चाहें कि हमको खीर खाना है तो उसके लिए करना पड़ेगा ना, चावल दूध का व्यवस्था करना होगा, कुकिंग करना होगा, पकाना पड़ेगा, तभी खा सकते हैं आप। चाहने से तो आपके हमारे तो मुंह में खाने के लिए नहीं आ सकता है। सपने देखना अच्छी बात है, आप देखिए लेकिन उसे पूरा करने के लिए भी काम कीजिए। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए तो कुछ हो नहीं सकता है। अब नंबर 10 में देखेंगे हमारा टिप्स नंबर 10, कारण नंबर 10, असफल लोगों का बात सुनो। इस बिजनेस में कुछ लोग ऐसे भी असफल हो जाते हैं जो सफल लोगों को कुछ नहीं सुनते और असफल लोगों को बराबर सुनते। जो लोग ज्वाइनिंग के बाद असफल लोगों की बातें सुनते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। आपको अगर सफल बनना है, सक्सेस होना है, मिलेनियर बनना है तो आपको मिलेनियर को सुनना पड़ेगा। लेकिन आप नेगेटिव लोगों को सुनते हैं जो खुद असफल है, वो आपको कैसे सफलता का रास्ता दिखा सकता है। यहाँ पे आरबीसी चैनल पे डेली की ट्रेनिंग्स होता है, कई सारे सक्सेस स्टोरी आता है, आप उनको सुनिए ना, वो सफल है तभी यहाँ पे आते हैं। मैं आज हम सफल है तभी हम आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं।
यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों को, असफल लोगों को बात को सुनना बंद करना होगा और सफल लोगों को बात सुनना पड़ेगा। अब जानिए, अगर आप असफल लोगों के बात सुनेंगे तो असफल ही होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी ना होना। जिसके इस कंपनी के बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना होने के बावजूद भी, ना होने के कारण भी असफल होते हैं कुछ लोग इस बिजनेस में। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपनी बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट्स। जिन लोगों के पास कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होती है वो लोग भी असफल हो जाते हैं। यानी इससे ये समझ में आता है यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी मिलेगा कहाँ से? ट्रेनिंग से, सेमिनार से, मीटिंग से, अपलाइन से, घर बैठे नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बिना सीखे आप किसी को सिखा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। बारहवां कारण जो है, इस कारण से भी कुछ लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कम लागत का बिजनेस को का शुरू हो जाना, स्टार्टिंग ए बिजनेस एट लो कॉस्ट। जो कि देखिए, तो अगर देखें तो ये बढ़िया है, पॉजिटिव है, लेकिन ये कुछ लोग इसको नेगेटिव से देखते हैं। कम लागत में कोई बिजनेस शुरू हो गया तो बढ़िया बात है ना, हमारे पास अगर कम पूंजी है तो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सोचता यही है, हमारा तो कुछ लगा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ लगा ही क्या है, वो लोग भी बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट ही 10,000, 20,000, 50,000 तो लगा नहीं है। यानी इसको पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव सोचते हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए, अरे भाई मेरे ये तो ऐसा बिजनेस है और कोई स्टार्ट कर सकता है, मजदूर क्लास से लेकर के कोई भी कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए कोई बड़ा फंड का जरूरत नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग वही गलत समझ लेते हैं, मेरा कुछ लगा है क्या, तो लगा तो है नहीं, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। आप ये सोचिए इस बिजनेस में लेकिन आपका लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। आप सोचते हैं अलग लेवल से, आपको सोचना अलग लेवल से, पॉजिटिव लेवल से सोचना है। ये ध्यान में रखिए, ये आप सोचिए कि इस बिजनेस में आपका कीमती समय और कैरियर लगा हुआ है। जब ऐसा सोचकर काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपका कैरियर लगा हुआ है, आपका समय लगा हुआ है, ये सोच करके अगर आप इस इंडस्ट्री को देखेंगे तो फिर आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको क्या सोचते हैं, कुछ लगा थोड़ी है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आपको सोचना यह है, नहीं मेरा लगा है, मेरा समय है, मेरा कैरियर, हमें इस बिजनेस में सफल होकर के हम दिखाएंगे। और एक कारण यह भी है इस बिजनेस में फेल होने का, देर इज नो हार्म इन लिविंग द बिजनेस। बिजनेस छोड़कर जाने में कोई भी नुकसान नहीं है। इसका भी कुछ, इसके कारण भी लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। जिनको ये लगता है हमने जितना दिया उतना का तो प्रोडक्ट मिल गया, 375 रुपया मैंने दिया, 375 रुपया का ऋषि गैनो टी मिल गया, मैंने 310 रुपया दिया, मैंने 310 रुपया का गैनो जी प्लस टूथपेस्ट मिल गया, 130 रुपया दिया, 130 रुपया का गैनो जी सॉफ्ट मिल गया। यानी जितना दिया उतना का तो प्रोडक्ट मिल गया, मेरा तो यहां नुकसान होने का कोई डर ही नहीं है। जिसके कारण से ये लोग छोड़कर चले जाते हैं, मन हुआ तो करते हैं, नहीं मन करता हुआ तो नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग तो परमानेंट छोड़ के चले गए। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, रखिए कि आपका यहाँ पर कैरियर लगा हुआ है, इसलिए मेहनत से काम कीजिए। आपका कैरियर यहाँ पे है, आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, लाइफ को बदल सकते हैं, लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने परिवार को एक अलग लेवल पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेगेसी के लिए आप यहाँ पे एक अच्छा इनकम जनरेट छोड़ करके जा सकते हैं। तो हमें जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं, और जो नहीं सोचना चाहते हैं वही सोचते हैं, इसके कारण से फेल हो जाते हैं। तो इन सभी बातों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात और है, नंबर 14 में मैंने ये डाला है, डोंट ट्राई टू लर्न, सीखने का कोशिश ना करना। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं वो लोग असफल होना गारंटी है। आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में सफलता हासिल करना है, तो सीखना पड़ेगा, सीखने पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको
और सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, मेगा सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, अलग अलग लीडर को सोचना पड़ेगा, जिससे आपकी लर्निंग अप्रोच बढ़ेगा, जिससे आप सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। और एक कारण और इस बिजनेस में फेल होने के कारण, डोंट फोकस ऑन योर बिजनेस, यानी जो लोग एक साथ कई सारे काम पर फोकस करते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक ही साथ बहुत सारे काम पे फोकस करता है, थोड़ा डीएक्शन कर लेता है, थोड़ा वो काम भी कर लेता है, थोड़ा वो भी काम कर लेता है, थोड़ा इंश्योरेंस कर लेता है, थोड़ा सा ये काम कर लेता है, थोड़ा वो काम कर लेता है, कोई थोड़ा दूसरी कंपनी में भी काम कर लेता है, किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी ज्वाइन, यानी थोड़ा 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 बहुत सारा काम एक साथ करता। तो उनकी फेल होने का गारंटी एकदम कंफर्म। मैंने जब इस बिजनेस में आया, हम असफल क्यों है, मैंने जब डीएक्शन को ज्वाइन किया, मैंने पूरा फोकस डीएक्शन के ऊपर किया, इसी के लिए मैंने 18 साल कंप्लीट होने के बाद में डीएक्शन को ज्वाइन किया और एक साल के अंदर में मैं डीएक्शन में मिलेनियर बन गया। आप इमेजिन करिए, मैंने 5 साल के अंदर में करोड़ों कमाया मैंने इस बिजनेस में, आज 8-9 साल में मैंने बहुत कुछ कमाया। आप इमेजिन कीजिए, मैंने पूरा फोकस, अभी भी पूरा फोकस है मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है, डीएक्शन 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 और कुछ नहीं, हमेशा मेरे पास फालतू टाइम भी नहीं है किसी से दूसरे चीजों से बात करने के लिए। आप बात करिए बिजनेस के पर्पस से बात करिए, क्योंकि हमारा हमें यहाँ पे मैंने फोकस किया। तो आपको इस बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफल होने का एक मंत्र है, आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस पे होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, 10 दिन के लिए शादी पार्टी में एंजॉय करने गए, 15 दिन उधर गए, वैकेशन पे गए, समर वैकेशन, ये वैकेशन, आपको पहले कैरियर बिल्ड करिए ना, उसके बाद तो छुट्टी ही छुट्टी है। आपको एक कैरियर बिल्ड करने की जरूरत है, इस बिजनेस को एक नए मुकाम पे पहुंचाना है, आपको एक अच्छा इनकम करना है, तभी आप सक्सेस, तब आप एक बहुत बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। हमारा 16 नंबर पॉइंट्स है, कंपनी और सीनियर पे डॉट करना, डॉटिंग द कंपनी एंड सीनियर, यानी कि कंपनी के ऊपर और सीनियर के ऊपर डॉट रखता है, शक करता है, मेरा सीनियर ये है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है ऐसा है वैसा है, मेरे सीनियर को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सीनियर को सिखा नहीं सकते हैं, सीनियर आपसे पहले है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, कुछ लोग सीनियर पे ही तक करते हैं। आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपने आप को समर्पण करना होगा अपने मेंटर, जिनको आप मानते हैं, आप जिनको अपलाइन सीनियर मानते हैं, मेंटर मानते हैं, आपको समर्पण करना होगा। और मेरा ये मानना है अगर आपको सक्सेस होना है तो उनकी बातों को तो एज ए ऑर्डर मानना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में। लेकिन फिर भी मैंने, अगर आपने एज ए ऑर्डर 12 बजे रात को बोला, 12 बजे बाद को रेडी, कोई किंतु परंतु नहीं, अगर ये आपने करना शुरू किया, आप सक्सेस होना आपकी तय। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी और सीनियर को ऊपर ही डॉट करते हैं, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी कंपनी और सीनियर के ऊपर अटूट विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे, शक करेंगे कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, तो आपको असफल होना कंफर्म है, गारंटी है। 17 नंबर में है लीडरशिप की कमी होना। जिन लोगों में अपनी टीम को लीड करने की काबिलियत नहीं होती है वो लोग भी असफल हो जाते हैं, यानी वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। स्टार बना, स्टार भी बना, 10,000-15,000 की इनकम पे गया, लेकिन वो, अगर आपको और बड़ा इनकम जनरेट करना है तो अपने अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी को भी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एक और कारण है, जल्दी हार मान जाते हैं, जल्दी हार, गिव अप सून, जल्दी हार मान जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस में, जल्द में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मैंने पहले भी बताया, कोई लोग ज्वाइनिंग के बाद जल्दी हार मान जाते हैं, अब हमसे नहीं होगा, कोई लोग भी असफल हो जाते हैं। मैंने जब आपको बता दूं, मैं अपने बारे में, मैंने जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो हमारे साथ भी ये चैलेंजेस आए। मैं ज्वाइन किया, मेरे पहले महीने कोई आदमी हमारे नीचे ज्वाइन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, हमें भी लगा अब हमसे मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे मेंटर, मेरे गुरु धर्मशिला में सुरेंद्र सर ने हमें मोटिवेट करके, हमें उन्होंने इस बिजनेस के गहराइयों तक ले जा करके उन्होंने हमारा हौसला को अफजाई किए, जिसके कारण से मैंने धैर्य बना रहा और फाइनली आपके सामने हम इस मुकाम पे हैं। आपको कभी भी हार नहीं माननी है, लगे रहना है, सिर्फ लगे भी नहीं रहना है, आपको सीखते भी रहना, सिस्टम को फॉलो करते रहना है, सीनियर को फॉलो करते रहना है, तब जाकर के आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। आप हमेशा ध्यान में रखिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
लोगों से बात करने में डरना, अफ्रेड टू टॉक टू पीपल, यानी लोगों से बात करने में डरना। जिन लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता है वो लोग भी इस बस 10 में फेल हो जाता है। आपको कभी भी किसी से बात करते नहीं डरना है, चाहे वो कोई भी हो। कुछ लोग सोचते हैं वो डॉक्टर्स हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो हैं, वो सरकारी अफसर हैं, वो ऐसे हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमारा उम्र ऐसा है, उनका उम्र वो है, बताने से पहले ही डरते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो डॉक्टर साहब हैं अपने फील्ड के हीरो हैं, वो इंजीनियर हैं अपने फील्ड के हीरो हैं, वो प्रोफेसर हैं अपने फील्ड के हीरो हैं, वो लॉयर हैं वो अपने फील्ड के हीरो हैं। आप बीएचसी में हैं, आप गैनोडर्मा के बारे में सीखे हैं, तो इस फील्ड का आप हीरो हैं। डॉक्टर साहब को इसके बारे में, गैनोडर्मा के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। आप बताएंगे उनको, आप उनको सीखें। पहले डरना नहीं, उनको जरूरत भी है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, सबके पास है, हमारे सबको जरूरत का चीज है। तो आपको कभी भी किसी की बात से डरना नहीं चाहिए, यही दिमाग में रखना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट, यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। कभी भी आपको यह बिजनेस को छोड़ दे नहीं देगा। यानी हम बताने गए, समझ गया तो बहुत बढ़िया, बेस्ट, नहीं समझा तो अब नेक्स्ट, अगला को बताएंगे, लेकिन नो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इतने सारे लोग हैं, हमारे देश के अंदर में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इंडिया में, दुनिया में हम चाइना को भी ओवरटेक करके जनसंख्या के मामले में बढ़ चुके हैं। हमारे पास आदमी की कमी नहीं है, इसीलिए हमें लोगों से बात करते रहना चाहिए। लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जो लोग बिजनेस ज्वाइन करते ही करोड़पति बनना चाहते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। यानी बिजनेस अभी ज्वाइन किया, सोचता है 2 महीने में 1 करोड़ आ जाए। ये दो जोड़ और 2 करोड़ कमाने वाला ये बिजनेस नहीं है, वो स्कीम स्कैम स्कैंडल वाला है, पिरामिड मनी सर्कुलेशन कंपनियां में है, जो मार्केट से 2 महीना में 2 करोड़ समेटता है और भाग जाता है। 3 महीने बाद आप कंपनी खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है, सिस्टम को खड़ा करने में समय लगता है, तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा याद रखना है कि इस बिजनेस में थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य बना करके कार्य करें, आप एक दिन सफल होंगे, आप एक दिन सफल होंगे। नंबर 21, टीम की कमी, लैक ऑफ टीम वर्क। आप ये जान लीजिए, ये बिजनेस टीम वर्क है, ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है। टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क, यानी टीम वर्क आप जब करना शुरू करेंगे तो आपके वो ड्रीम के लिए काम करेंगे। जो लोग अपने टीम से सही से वर्क नहीं करवा पाते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। ये टीम वर्क है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। आपको पता है हम अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम टीम बना करके वो सब भी कुछ कर सकते हैं। ये टीम के अंदर में इतना ताकत है। आपको अपने टीम से सही कैसे कार्य करवाना है या आपके अच्छे से आना चाहिए, तभी जाकर के आप टीम वर्क कर सकते हैं। नंबर 22 में है, ये भी एक फेल होने का कारण है इस बिजनेस में, टू प्रोक्रास्टिनेट टू कीप पुटिंग ऑफ वर्क, यानी टाल मटोल करना, कार्य को टालते रहना, कल कर लेंगे यार, यानी परसों कर लेंगे, अगले महीने कर ले। जो लोग ये सोचता है आज नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा, वो टाल मटोल करता रहता है। ठीक है, हम परसों जाएंगे उनको डीएक्शन के बारे में बताने के लिए, इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, टालते 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 ही रह जाता है और वो फेल हो जाता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको टाल मटोल करने की आदत छोड़ना पड़ेगा। दिमाग में आया कि उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है, जाकर बता दीजिए, टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है अपने प्रोडक्ट की जानकारी ना होना। जिन प्रोडक्ट का आप प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं है तो भी आप असफल हो जाएंगे। अपनी कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें ताकि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से बता सकें अपने लोगों को। अब देखिए डीएक्सएन आरबीसी चैनल पे ही बहुत लगभग प्रोडक्ट्स के बारे में हर एक मीटिंग में अलग अलग प्रोडक्ट्स का नॉलेज है। आप ऑनलाइन सीखिए, मीटिंग में जाइए, प्रोडक्ट के बारे में जान, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। जब आप जानकारी ही नहीं देंगे तो लोग आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है बार बार कंपनी बदलना, चेंजिंग कंपनी फ्रीक्वेंटली। कुछ लोग ऐसे हैं वो बार बार कंपनी बदलते रह जाते हैं, आज वहां कल वहां कल वहां वहां बंदर के जैसे। आप जानिए यानी कि वो महीने या सप्ताह में बदलता है, क्या कह नहीं सकते। बार बार कंपनी से उस कंपनी आते जाते रहता है जिसके कारण वो फेल हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप एक अच्छी कंपनी डीएक्शन में है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, दुनिया का
पहला ये कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट को देने वाला पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दुनिया में 180 से ज्यादा देशों में डीएक्सन है, 200 से ज्यादा देशों के लोगों हमारे डीएक्सन को प्रोडक्ट को यूज करता है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है। इमेजिन करिए, दुनिया का आप सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, एक दुनिया का एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको स्टार्ट एक साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी डीएक्सन में, इसमें तो आपको जीन जाल लगा करके काम कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदलना बिल्कुल तय है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक और पॉइंट है इसमें, हद से ज्यादा उम्मीद करना। कुछ लोग इस व्यवसाय विश्वास के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, यह पैसा कमाने का एक आसान रास्ता है, जब उन्हें तत्काल परिणाम नहीं मिलता है तो ये निराश हो जाते हैं और ये बिजनेस को छोड़ देते हैं। हद से ज्यादा यहाँ उम्मीद कर लेता है कि पहले महीना में 1 लाख, दूसरे महीना में 5 लाख, तो भी आप सक्सेस नहीं होंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ पूरा होगा, बस आप ईमानदारी से लगातार अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए और करते रहिए। इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल होने का एक और कारण है, चूज द रॉन्ग कंपनी, गलत कंपनी को चुनाव करने के कारण भी हम फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में ही गलत कंपनी में चले जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं। अब उसके सामने जीवन में बढ़िया कंपनी भी आएगा तो लगेगा ये भी तो वही नहीं है, लेकिन आप बता दें आप उस नसीब हैं कि आप इतनी अच्छी कंपनी डीएक्सन में, जिसका बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, दुनिया में कोई मेल नहीं है डीएक्सन के सामने। आप और हम खुश नसीब हैं, इतने बढ़िया खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। 27वां पॉइंट से है, अपर्याप्त ट्रेनिंग और ज्ञान। इस बिजनेस में ट्रेनिंग और समझ की कमी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसी के लिए एक सफल लीडर अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी रखता है। आपको भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। नॉट बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम, अगर आप एक मजबूत टीम नहीं बनाएंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग टीम नहीं बना पाते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। यदि आप इस बिजनेस में एक सफल और कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो मजबूत टीम बनाने पर फोकस करना पड़ेगा, और मजबूत टीम बनाने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सही सिस्टम से काम करेंगे तभी तो आपके नीचे के लोग भी डुप्लीकेट करेंगे। जब नीचे डुप्लीकेट होगा तब जाकर के आपका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा होगा। आज हमारा 2,25,000 लोग है तो कहां से आया, सैकड़ों डायमंड्स है, हजारों कई हजार स्टार है, करोड़ों पीडी होता है इस बिजनेस में हमें, तो ये इमेजिन कर सकते हैं। आपको एक मजबूत टीम बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। 29 सपोर्ट और मार्गदर्शन की कमी, लैक ऑफ सपोर्ट एंड मेंटरशिप, जिनको अपलाइन या सीनियर से सपोर्ट नहीं मिलता है वो लोग भी असफल हो जाते हैं, आप ये जानिए। इसी के लिए आपको मेंटरशिप को, यहां पर हम कुछ भी अपने मेंटर के बदौलत है, अपने बदौलत नहीं है, इसीलिए आपको एक मेंटर चुनना पड़ेगा और वो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, आप सक्सेस हो जाएंगे। अपने टीम के हर छोटे से छोटे लीडर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसकी सफलता में ही आपकी भी सफलता है। आसान पैसे के मिथक में विश्वास करना, कुछ लोग सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जल्दी अमीर बनने का योजना बनाते हैं, ये ऐसा मिथ है कि तुरंत ही अमीर बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 3 से 4 मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 साल आप मेहनत कर दिए तो आप मिलेनियर मल्टी मिलेनियर हो सकते हैं इस बिजनेस में, तो ये सब फोकस करना है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, पैसों का सही लेखा जोखा ना रखना, वो भी बहुत से लोग सेल्स के पैसे से अपनी जरूरत पूरा करने लगते हैं और पैसे को गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, वो लोग भी इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग क्या हुआ, प्रोडक्ट को बेचा, वहां से जो पैसा मिला उसको क्या कर लिया, उसको जिसका जरूरत नहीं है उसको खरीद लिया। आप जानिए, जिसका कोई जरूरत नहीं है, टीवी खरीद लिया, रेडियो टीवी खरीद लिया, मोबाइल है तो भी एक मोबाइल खरीद लिया, यानी कि आपको पैसा का भी मिसमैनेजमेंट करेंगे तो भी आप असफल हो जाएंगे। मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पैसा का सही सही जगह पे हिसाब किताब करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग और एजुकेशन पर निवेश ना करना, कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं तो ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको इस बिजनेस में सफल होना है, अपने एजुकेशन के ऊपर निवेश नहीं करते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में सफल होना है तो हर वक्त नई नई चीज सीखना है, सीखना पड़ेगा। आपको मीटिंग की टिकट्स खरीदना पड़ेगा, लीडरशिप कैंप को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको नॉलेज, आरबीसी के लीडरशिप कैंप होता है, आपको बहुत सारे मेगा सेमिनार होता है, वहां जाकर के आपको उसके ऊपर निवेश करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। एंड नंबर 33,
अपने पुअर फॉलोअप, अपने गेस्ट का सही से फॉलोअप ना करना, यानी जो लोग अपने गेस्ट को यानी अपने गेस्ट को सही से फॉलोअप नहीं करते हैं, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। यानी जो आपके टीम के लोग हैं, नए लोग हैं जो आ रहे हैं आपके साथ ज्वाइन किए हैं, उसको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, उससे बातें करना बहुत जरूरी है, बार बार हर 24 घंटे में बातें करना बहुत जरूरी है। ये फॉलोअप बहुत बड़ा अहम रोल है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सफल रहने होने के लिए अपने हर एक गेस्ट का यानी हर एक कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को समय पे उसकी फॉलोअप होना बहुत जरूरी है, उससे बराबर बातें होना बहुत जरूरी है, उसका हाल समाचार लेना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट लिया है तो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट नंबर में आता है अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन ना दे पाना। अगर आपको और ज्यादा, जो लोग अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं दे पाते हैं वो लोग भी इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने सीख गया बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन देना तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर कुछ पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़े लिखे नहीं है आप लिख नहीं सकते, आप मोटा मोटी भी मार्केटिंग प्लान अगर समझ गए, एक प्रोडक्ट चाय खरीदेंगे 135 मिलेगा, एक स्पैरोलिना छोटा खरीदेंगे 160 मिलेगा, बड़ा स्पैरोलिना खरीदेंगे तो 500 पीबी मिलेगा, और धीरे धीरे ये टोटल एक्युमुलेट होकर के 1000 पीबी हो जाएगा, तो आपको पावर मिल जाएगा, आप अपने नीचे किसी भी आदमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद साथ में 6% से बोनस भी मिलेगा, 3000 पीबी होगा 9%, 10000 पीबी होगा 12%, 20000 पीबी होगा 15%, 32500 पीबी होगा तो आप 18% और 45000 पीबी हो जाएगा, स्टार बन जाएंगे, स्टार क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप 25% पे हो जाएंगे। आपके नीचे एक स्टार आएगा 27 पे, 2 आएगा 29 पे, 3 आएगा 31 पे, 4 आएगा 33 पे, 5 आएगा 35% पे, और 6 आएगा तो 37% पे। 3 अलग अलग लाइन में स्टार होगा तो स्टार रूबी कहलाएंगे, और 6 अलग अलग लाइन में स्टार होगा तो स्टार डायमंड हो जाएंगे, और वो 6 डायमंड जब स्टार जब डायमंड बन जाएगा तो ट्रिपल डायमंड हो जाएंगे, 10 अलग अलग लाइन में डायमंड होगा तो क्रॉन डायमंड बन जाएंगे, और 20 अलग अलग लाइन में अगर डायमंड बन गया तो आप डीएक्सन के हाईएस्ट पोस्ट क्रॉन एम्बेसडर बन गए। इतना भी प्रेजेंटेशन हमारे आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि लिख के ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मोटा मोटी प्रेजेंटेशन बता करके भी डीएक्सन में लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो आप ये सीखिए, और ये सभी चीजें आप सीखेंगे कब, जब आप मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तब, सीनियर को फॉलो करेंगे तब। इसी के लिए आप सभी लोग हमेशा सीखते रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए, कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम अपलाइन जो बताते हैं आप उसको फॉलो करते रहिए, बराबर सीखने के ऊपर कोशिश करिए, आप डेली लोगों से बातें करते रहिए, बिजनेस के बारे में चर्चा करते रहिए। आपका जीतना और आपका सीखना एकदम सुनिश्चित है, आपका अमीर बनना सुनिश्चित है, गारंटी है, आप ये ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, आप ईमानदार, आपके अंदर में सबसे पहले ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, दूसरा है विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी और बिना विश्वास, उसके बाद आपको धैर्य होना बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों का आज का ये प्रेजेंटेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। सभी लोगों को हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अविनाश जी।